आज मैं आपके लिए ये बेहतरीन रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, हरे मसाले का आलू गोश्त। तो अगर आपने सीखना है हरे मसाले का आलू गोश्त इतना प्यारा मैंने कैसे बनाया, तो वीडियो को पूरा देखें, मतलब आपको मजा आ जाएगा बना के भी और खा के भी। हरे मसाले का आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो गोश्त। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको धो के छलनी में रख दूंगा ताकि पानी नचुड़ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आलू छील लेना है जैसे कि मैं छील रहा हूं। और आलू मैं सिर्फ और सिर्फ 3 डालने वाला हूं, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से आलू डाल सकते हैं जितनी आपको चाहिए। आलू ऐसे छीलने के बाद आपने क्या करना है, आपने आलू काट लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ऐसे, इससे छोटा ना काटें और ऐसे, देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से आपने काटना है जैसे कि मैं काट रहा हूं। और आलू काटने के बाद आपने क्या करना है, इन आलुओं को पानी के अंदर रखना है इस तरीके से। देखिए आलू हमेशा छील के काट के पानी में रखें, नहीं तो क्या होगा, आपके आलू काले पड़ जाएंगे। इस तरीके से पानी में रखना है आपने। अब आपने क्या करना है, आपने प्याज लेना है 3, और प्याज को इस तरीके से देखिए ऐसे काट लेना है, एकदम बारीक काटें, ये देखिए। और काटना कैसे, एकदम पतली जैसे कि मैं काट रहा हूं। प्याज ऐसे काटने के बाद आपने हरा धनिया लेना है 100 ग्राम, और इसको रफली काट लेना है, ये देखिए रफली बोले तो ऐसे। धनिया ऐसे काटने के बाद ऐसे ढेर सारे पानी के अंदर आपने रख देना है जैसे कि मैंने रखा। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा लेना है पुदीना, थोड़ा मतलब 20 ग्राम, 100 ग्राम धनिया में 20 ग्राम पुदीना आपने लेना है, और ऐसे रफली काट देना है। इसको भी आपने डाल देना है पानी के अंदर। उसके बाद आपने पालक लेनी है 100 ग्राम, और ये देखिए इस तरीके से काट के ये चीजें निकाल देनी है, सिर्फ पत्ते पत्ते पालक के आपने डालने, ऐसे रफली काट के। देखिए ऐसे काटने के बाद आपने क्या करना है, इसको डाल देना है पानी के अंदर इस तरीके से। इनको कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरीके से धो लेना है। क्यों, क्योंकि इनमें मिट्टी होती है, इसके लिए अच्छे से धो लें। ऐसे अच्छी तरीके से धोने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है 4 हरी मिर्च, 2 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा लेना है और ऐसे छोटा छोटा काट देना है, वो भी डाल देना है, और 20 से 25 लहसुन की कलियां। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इनको एक मिक्सी के जारे में डालना है इस तरीके से। देखिए ऐसे मिक्सी के जारे में डालें, और आपने इसमें डालना है लेमन जूस, 2 नींबू का जूस निकाल के डालें। उससे क्या होगा, ये आपका पेस्ट काला नहीं पड़ेगा, इसके लिए लेमन डालना जरूरी है। और आपने इसको बिना पानी डाले पीस लेना है, ये देखिए इस तरीके से पीस के रख लेना है आपने, और पानी नहीं डालना है। और ये देख रहे हैं ना कलर कितना प्यारा आया है। ये सारी चीजें तो हमारी हरी थी, लेकिन मैंने नींबू डाला है ना, उससे ये ऐसे ही रहेगा। ऐसे आपने तैयारी करके फिर तड़का मारना है। कोई भी आप खाना बनाते हैं पहले सारी तैयारी कर लें जैसे कि मैंने की है। अब आपने वो बर्तन चढ़ाना है जिसमें आपने मटन बनाना है, मैं लगान में बनाने वाला हूं, और इसमें आपने डालना है 1 कप तेल। तेल 1 कप ही डालें, तेल डालने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आप हरे मसाले का आलू गोश्त बना रहे हैं, इसके लिए 1 कप तेल आपने डालना है। तेल को गर्म होने दें, जब आपका तेल गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालने हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 काली इलायची, 6 हरी इलायची, 8 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 तेज पत्ते, 1 टेबल स्पून जीरा, 3 साबुत लाल मिर्च। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने ऐसे प्यार से चलाना है, इनको चटका लेना है, इनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाए, तब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है ये प्याज जो हमने काट के रखी थी। ये देखिए प्याज मैं बता चुका हूं, प्याज लिए मैंने 3। अब आपने क्या करना है, ऐसे चलाना है बढ़िया से, और एक बेहतरीन कलर आने का इंतजार करना है। बेहतरीन कलर कैसे आता है, ऐसे लगातार चलाने से। तो आप भी कलर आने तक ऐसे अच्छे से चलाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब प्याज में बहुत ही बढ़िया सुनहरा कलर आ चुका है। जब आपकी प्याज में भी
ऐसा सुनहरा कलर आ जाएगा, तब आपने करना क्या है, सबसे पहले गैस को स्लो कर दें। गैस स्लो करने के बाद आपने इसमें डाल देना है गोश्त जो हमने धो के रखा था 1 किलो पूरा, और इसमें डालना है 6 साबुत हरी मिर्च, 2 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद आपने इसमें थोड़ी सी हल्दी डालना है, आधे से आधा टीस्पून। हल्दी डालने के बाद ऐसे प्यार से चलाना है, ये देखिए, और बढ़िया तरीके से मसालों के साथ गोश्त को आपने भून लेना है। अच्छे से भूने, जितनी अच्छी तरीके से आप गोश्त को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। और चीज़ें आपने इतनी ही डालनी है जितनी की मैंने डाली है, इतनी चीज़ों के साथ में आपने बढ़िया से गैस पास करके इसको भूनना है, जैसे कि मैं अभी भून रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गोश्त को बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है और इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आपने भी गोश्त को पानी ख़त्म होने तक अच्छे से भूनना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। देख रहे हैं आप, ऐसी शक्ल हो जाना चाहिए और पानी बिल्कुल ना रहे, सिर्फ तेल तेल रह जाए। उसके बाद आपने गैस स्लो करना है। गैस स्लो करने के बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले एक साइड में डालना है। दूसरी साइड में आपने इसमें डालना है दही, ये देखिए, कम से कम 300 ग्राम, और दही को पहले आपने अच्छे से फेंट लेना है। मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से फेंट के डाला है, फिर आपने ऐसे चलाना है, देखिए, बढ़िया से स्लो गैस में आप थोड़ी देर ऐसे इसको पकाएं और धीरे धीरे चलाते रहें ताकि आपका दही फटे ना। कब तक आपने स्लो गैस रखनी है? इसमें भदक पड़ने तक, नहीं तो क्या होगा, दही फट जाएगा। अगर आप घर में बना रहे हैं तो घर में आप फास्ट गैस रख सकते हैं, क्योंकि घर की गैस हमारी स्लो गैस के बराबर ही होती है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, लगातार ऐसे चलाना है जैसे कि मैं चला रहा हूँ, और उसके बाद जब ऐसे भदक पड़ने लगेगी, जैसे कि अभी हमारे गोश्त में पड़ना स्टार्ट हो गई, देख रहे ना आप, और कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है माशाल्लाह। तो आपने करना क्या, इस टाइम पे कुछ ना करें, सिर्फ ऐसे ढक्कन लगाना है, ढक्कन लगा के थोड़ी सी गैस स्लो करना है और आराम से पकने दें। मतलब इसी पानी के अंदर, दही के पानी के अंदर ये गोश्त पक जाना चाहिए, इतनी स्लो गैस आपने रखनी है। ये देखिए गोश्त कितनी बढ़िया तरीके से पक रहा है, मैंने एकदम स्लो गैस में इसको ढक के पकाया है और इसे स्लो गैस में पकते पकते आधा घंटा हो गया है। देख रहे ना आप कैसी बढ़िया चमक आ गई है। तो आपने भी ऐसे स्लो गैस में आराम से पकाना, और ये देखिए गोश्त लगभग 80% गल चुका है। जब आपका गोश्त भी ऐसे 80% गल जाएगा और ऐसी बढ़िया चमक आ जाएगी जैसे कि अभी हमारे गोश्त में आ चुकी है, तब आपने क्या करना है, इस टाइम पे इसमें डाल देना है आलू। मतलब गोश्त को भुंजिया बनाने से पहले आपने आलू डाल देना है, जैसे कि मैंने डाले। आलू डालने के बाद आपने ऐसे प्यार से इसको चलाना है, ये देखिए, बढ़िया तरीके से, और चलाने के बाद आपने इसको ढक देना है। मतलब जब ये गोश्त भुंजिया होगा ना, तो इसी के साथ इसी मसाले में आलू भी अच्छे से पक जाएंगे और गोश्त गलने तक आलू भी लगभग गल जाएंगे जैसे कि हमें चाहिए। तो आपने इसी प्रोसीजर से पकाना है जैसे मैं पका रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इसको ढक देना है ताकि आलू भी अच्छे से गल सकें। अब ये देखिए गोश्त एकदम बढ़िया तरीके से भुंजिया हो चुका है, इसको भुंजिया बोलते हैं। देख रहे ना आप, मतलब प्याज गल जाए, जो भी आपने इसमें चीज डाली थी वो गल जाए, और ये सारा मसाला मटन में आलू में चिपक जाए। देख रहे ना आप कैसे चिपका हुआ है, मतलब बोटी के अंदर मसाला गल के चिपक जाए, इसको बोलते हैं भुंजिया गोश्त। और आपका तेल सारा सेपरेट हो जाए, देख रहे ना आप, अब हमारे गोश्त का तेल सभी सेपरेट हो चुका है और मसाला इसमें अच्छी तरीके से चिपक चुका है और गोश्त एकदम अच्छे से भुंजिया हो चुका है। देख रहे हैं, जब आपका गोश्त ऐसे भुंजिया हो जाएगा जैसे कि अभी हमारा हो चुका है, तब आपने गैस एकदम स्लो करना है। इस तरीके से गैस स्लो करने के बाद इसमें डाल देना है ये
पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, ये देखिए सभी पोंछ के डाल देना है आपने इस तरीके से। पेस्ट पोंछने के बाद आपने थोड़ा सा पानी जार के अंदर डालना है और ये देखिए वो भी इसमें डाल देना है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे अच्छे से चलाना है। देखिए वाह, अब आप इसकी शक्ल देखिए, लाजवाब, देख रहे ना, बढ़िया से ऐसे मिक्स करें और बिना पानी डाले, बिना कोई चीज़ डाले इसको थोड़ी देर ऐसे पकाएं, भून लें। ये देखिए बढ़िया से भुनने के बाद आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी शक्ल, इससे आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से भून लिया है, तो आपने भी ऐसे ही बढ़िया तरीके से भून लेना है जैसे कि मैंने भूना है। जब आप ऐसे अच्छे से भून लेंगे, ऐसी चमक आपके गोश्त में आ जाएगी, तब आपने क्या करना है, इसमें डालना है सिर्फ और सिर्फ 1 कप पानी, ज्यादा ना डालें, फिर से बता रहा हूं 1 कप पानी डालना है, प्यार से ऐसे चलाना है, देखिए मिक्स करना है इस तरीके से, और ऐसे चलाने के बाद आपने इसको ढक देना है, ढक के आराम से पकने देना है। कब तक, इसके 100% गलने तक, ऐसे ढकते हैं बस और कुछ ना करें। अब ये देखिए जादू, देख रहे ना आप क्या चीज बनके तैयार हो गई, एकदम लाजवाब। इसकी शक्ल देखिए, उफ, मतलब जिस जिसके मुंह में पानी आ गया ना, प्लीज कमेंट कर दें। शक्ल देखिए क्या प्यारी शक्ल बनके निकली है। इसमें आपने कुछ भी नहीं डालना है, कुछ मतलब कुछ नहीं, बस गैस बंद करना है। गैस बंद करने के बाद ये है पिकअप, देख रहे ना क्या चीज बनके निकली है, एकदम लाजवाब, 1 नंबर रेसिपी। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, मेरा काम पसंद आया है, आपके दिल को टच किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।